आपने अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करके हज करने जाना है। एक बेश कीमत माल होता है, एक वसी माल है जिसकी अमाउंट आपने खर्च करके हज की तरफ जाना है। और जो हज पे नहीं भी जाएंगे, इधर रहेंगे, एक बेश कीमत खर्च करके जानवर खरीद के कुर्बानी करेंगे। फिर उसके साथ साथ इन्हीं अय्याम में हाजी जाते हैं, उमरा भी करते हैं, हज भी करते हैं। तो गोया अरकान इस्लाम के तमाम अरकान के आमाल इन 10 अय्याम में हो जाते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि कोई अमल इतना फजीलत वाला नहीं है। बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم। حمد وثناء तारीफ़ किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए है। दरूद व सलाम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन शफीउल मुदलमीन और रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात मोहतरम, रब्बुल आलमीन वो खालिक कायनात है, वो मेरा भी खालिक है, आपका भी खालिक है, और कुल कायनात का पैदा करने वाला है, खालिक अर्ज़ो समा है। खालिक और मखलूक, इसका बाहमी ताल्लुक और रबत अगर उस्तवार रहे, कायम रहे, तो कोई भी दुनिया में बसने वाला शख्स उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन अंदाज में चलते हुए जब वो दुनिया से जाएगा तो खुशी खुशी इरजी इला रब्बी की रौदियतम मर्दिया के तहत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये ताल्लुक इबादत का कायम रहे, ये कैसे मुमकिन है? आज 26 ज़िलक़ादा है, इसके बाद 3 दिन के बाद ये महीना ख़त्म हो जाएगा और मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी में बड़े ही अहम दिन जिनका ज़िक्र कुरान करीम में किया है, वल फजरी व लयालिन आश्र, जिन रातों की कसम खाई है, फिर वो दिन और रात जो हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। अब अगर कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को इबादत में रखना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा एक एक लम्हा, एक एक घड़ी इबादत में बन जाए, तो याद रखिए उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत में बन सकता है, अगर उसकी ख्वाहिश और कोशिश ये रहे कि मैंने कोई भी अमल ऐसा नहीं करना जो अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत अक़दस से बाहर हो। और जब वो इस कोशिश में रहेगा तो उसके सामने ये हकीकत भी खुल जाएगी कि अगर अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए दुनिया में भी पकीज़ा ज़िंदगी है और आखरत में भी इंशाल्लाह पकीज़ा ही पकीज़ा ज़िंदगी है। इसकी दलील कुरान करीम में सूरह नहल में मौजूद है, मन अमिल सालिहं मिन ज़िकरिन औ उन्था व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करे, खाओ वो मर्द हो या औरत हो, शर्त ये है वह हुआ मोमिन, मोमिन हो,
ईमान लाया हो। अब ईमान यकीनी बात है, वो ईमान की साथ शरायत मौजूद होंगी तो तब ही वो शख्स मोमिन कहलाएगा। मेरा रब कहता है फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। ये ज़िंदगी भी उसकी पाक दामनी में गुजरेगी, अच्छे आमाल में गुजरेगी, अल्लाह की तौफीक में गुजरेगी। वो जिस तरह हदीस कुदसी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा यज़ालु यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, बंदा मोमिन ये नफली इबादत कर कर के इतनी अच्छी इबादत करता है हत्ता उहिब्बहु, मेरा मुकर्रब इतना बन जाता है हत्ता कि मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ। फ़ाइदा अहबबतु, जब मैं इससे महब्बत करने लग जाता हूँ, मैं इसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो टच करता है, मैं उसके पाँव और टांगे बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इन सअलनी लउअतीयन्न, अगर मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। व इन इस्तअदनी लउईदन्न, अगर मुझसे पनाह तलब करे तो मैं उसे ज़रूर पनाह में रखता हूँ। ये बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन का मुकर्रब बनाने में तरगीब दे रहे हैं। इसी की दूसरी सूरत यह है, अगर उसने नेक अमल ना किया या वो अमल ऐसा करता रहा कि जिस अमल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, आपका तरीका साबित नहीं है, तो कुरान कहता है وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا। कितने ही लोग ऐसे अमाल लाएंगे, जब हम उनके अमल पेश करेंगे فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا, उन अमाल की कैफियत ये होगी कि हम उन अमाल को खसो खशाक बना के उड़ा के रख देंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अब आप तसव्वुर कीजिए कि मैं और आप सारी ज़िंदगी अमल तो करते रहें, लेकिन वो अमल अल्लाह के हाँ शर्फ़ कबूलियत से ही ना नवाजा जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी। लिहाजा इस अमल को वो अमल बनाने के लिए हमारे पास ये ज़िंदगी में मौका है कि खालिक और माबूद का जो बाहमी ताल्लुक़ है इबादत वाला, उसको इतना मज़बूत किया जाए कि अल्लाह के साथ इतनी महब्बत कायम हो जाए, इतनी महब्बत कायम हो जाए, दिल इतना महब्बत इलाही से भर जाए, लबरेज़ हो जाए कि जिस तरह कुरान कहता है वल्लदीना मनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अहले ईमान मोमिन लोग ईमान के दावेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी महब्बत करते हैं अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अशद तरीन दुनिया की सबसे बेहतरीन महब्बत अगर किसी मोमिन की होती है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से होती है। हजरात देखिए, ये दिन शुरू होने वाले हैं, कुरान कहता है वल फजरी व लयालिन अश्र व शफ़ई वल वत्र, कसम है फजर के वक़्त की, व लयालिन अश्र और इन दस रातों की। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये जो दस रातें हैं इससे मुराद ज़िलहज की इब्तदाई दस रातें हैं, जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फजर में खाई है। और आप जानते हैं कि जिसकी कसम खाई जाती है वो चीज़ इंतहाई वज़न वाली, कदर व कीमत वाली, अहमियत वाली और बड़ी वर्थ वाली होती है जिसकी कसम खाई जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी कसम खा रहे हैं तो यकीनी बात है उसकी शरीयत में कदर व कीमत, उसकी मंजिलत और उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी, आप मसाइल सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर इसी तरह ही कुरान करीम में सूरह बकरा में आयत है, आपने पिछले तीन चार जुमे हज के हवाले से सुने हैं, मक्का के हवाले से सुने हैं,
قرآن کہتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَات، اللہ رب العالمین کو ان معلوم ایام میں، یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں اس میں اللہ کو یاد کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری کی 969 نمبر حدیث، اس کے ابتدائی قول میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو وذکر اللہ فی ایام معلومات، یہ معلوم ایام کا جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، ان معلوم ایام سے مراد ایام العشر یعنی ایام ذی الحج، یہ ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 ایام ہیں، جس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دہانی بھی کرائی اور حکم بھی دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ آپ دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی ابن تیمیہ 37 جلدوں میں ہے، اس کی 25ویں جلد کے 287 نمبر صفحے پہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یہ جو دن اور راتیں ہیں نا، اس کی کیفیت یہ ہے، حالانکہ رمضان المبارک، اس کی اہمیت آپ نے بڑے احسن انداز سے علماء سے بھی سنی ہوتی ہے، ادھر بھی سنی ہے کئی انداز سے۔ اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی وہ راتیں اتنی اہم ترین ہیں کہ جس طرح قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ انہی راتوں میں، رمضان کی آخری راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن بھی نازل کیا، فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر۔ اور اگر دنوں کی اعتبار سے بات کی جائے تو یہ ذی الحج کے دن بڑے افضل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسم بھی کھائی اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کچھ اس انداز میں بھی بیان کی ہے۔ آپ سنیے، آپ نے ابھی یہ قول سنا 969 نمبر حدیث میں، اب وہ حدیث بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی عمل ایسا فضیلت والا نہیں ہے جو ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات کہی تو صحابی پوچھتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا بھی، وہ بھی ان اعمال سے ہیج ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی ہاں وہ بھی ایسے ہی ہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، سوائے اس شخص کے جہاد کے میدان میں گیا ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کیا، خرج بنفسه وماله، اپنی جان بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، فلم يرجع منه بشيء، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، اسی کا عمل ہی ان دنوں میں فضیلت والا ہو سکتا ہے، بصورت دیگر جتنے عمل آپ کرتے جائیں گے وہی فضیلت والے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ آخر ان ایام کے حوالے سے کیوں فضیلت ہے؟ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ آگے تفصیل جتنی ہو سکی ہم بیان کریں گے، 9 ذی الحج تک، کیونکہ 10ویں کا تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، 9 ذی الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب بھی دی۔ ارکان اسلام میں سے آپ دیکھیے، نمازیں وہ اس میں پڑھی جائیں گی انہی 10 ایام میں، ٹھیک، روزہ ان 9 ایام میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح ہی آپ نے اللہ کے رستے میں مال خرچ کر کے حج کرنے جانا ہے، ایک بیش قیمت مال ہوتا ہے، ایک وسیع مال ہے جس کی اماؤنٹ آپ نے خرچ کر کے حج کی طرف جانا ہے، اور جو حج پہ نہیں بھی جائیں گے ادھر رہیں گے، ایک بیش قیمت خرچ کر کے جانور خرید کے قربانی کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہی ایام میں حاجی جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں،
حج بھی کرتے ہیں۔ تو گویا ارکان اسلام کے تمام ارکان کے اعمال ان 10 ایام میں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی عمل اتنا فضیلت والا نہیں ہے۔ آپ نے گزشتہ یہ 2-3 جمعہ پہلے ایک اور بھی حدیث سنی کہ جب ایک صحابی رسول آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خاتون جہاد وہ چلی گئی ہے حج کے لیے، رخت سفر باندھ رہی ہے، لیکن وَإِنِّي أُكْتِبْتُ فِي غَزْوَتِ كَذَا وَكَذَا، مجھے آپ نے فلاں فلاں غزوے میں مجھے نامزد کیا ہے، تو میں غزوہ میں حاضری دوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ غزوہ چھوڑو، جہاد چھوڑ دو، چلیے اپنی خاتون کے ساتھ اب حج کا عمل کیجیے۔ تو یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ اعمال جو ان ایام میں کیے جاتے ہیں وہ انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ اعمال کریں گے تو یقینی بات ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عبادت بنانا چاہتے ہیں، العبادۃ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضی، آپ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لکل ما یحبہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ، چاہے وہ آپ کے خفیہ اعمال ہیں یا ظاہری کرنے والے اعمال ہیں، آپ اللہ کی رضا اور رغبت حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی عبادت ہی عبادت ہوگی۔ اور یہی وہ بات ہے جو سورہ انعام کی اخروی آیات میں آیت موجود ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری نماز میری قربانی، میرا زندہ رہنا ساری عمر، اور میرا مرنا بھی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس بات کی نیت اور مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہر عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ دونوں صحابہ سے الگ الگ حدیث موجود ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کیا کروں؟ الگ الگ صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ ایام اگر اتنی فضیلت والے کیا کروں؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ ہماری ہے آزمائش۔ ابھی یہ 10 دن آئیں گے، سارا دن بیٹھ کر کچھ لوگ سیاست ڈسکس کریں گے، کچھ اپنے جانوروں کی باتیں کریں گے، کچھ رشتہ داروں کی چگلیاں کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، حدیث میں آتا ہے آپ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ کام میرے بھائیو عزیزو کرنے والے۔ اور فضیلت کی ایک اور وجہ، اس میں یوم عرفہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ عرفہ کا دن، ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی 3014 نمبر حدیث ہے، رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہوں، وہ دن ایسا نہیں۔ عرفہ کے دن کے علاوہ، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلْ، اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور
अपने इन फरमाबरदार बंदों के हवाले से युबाही बिहिमुल मलाइका, फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं कि देखो कितनी वसी और तादाद में मेरे मोती बंदे मेरे दरबार में खड़े हैं, मुझसे आराफा के रोज़ मांग रहे हैं, बख्शिश मांग रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, तकबीर पढ़ रहे हैं और तलबिया पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे मोती और फरमाबरदार बंदे। फ़यकूल मैं औरद है उला, इन लोगों का इरादा क्या है? यकीनी बात है ये अल्लाह से मुआफ़ी, अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह का तकर्रुब चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मांगने की वजह से इन सब को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देते हैं। तो ये आराफा का दिन भी इन्हीं 10 दिनों में आता है। और फिर अजीज़ों सुनिए, इन्हीं दिनों में अशरे ज़िलहज में आखिरी दिन आता है जिसको यौमुन नहर कहते हैं। हाजियों ने तो वहाँ पे कुर्बानी करनी है, जिनकी तादाद तकरीबन एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक 40 लाख के करीब होगी, कमोबेश हो सकती है लेकिन इतनी 35 लाख 40 लाख के दरमियान होगी। इतनी ज़्यादा तादाद में वो लोग अल्लाह के सामने उसका तलबिया भी पढ़ेंगे, कुर्बानियाँ भी करेंगे। बाकी पूरे कुर्रा अर्ज़ पर जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर उसकी इबादत की शक्ल में कुर्बानियाँ पेश करेंगे उस अल्लाह के रस्ते में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि शायद अगर खुलूस इतना बंदे में आ जाए, खुलूस इतना आ जाए कि खून नीचे बाद में गिरे, अल्लाह ताला बंदे की मुआफ़ी और बख्शिश का अहतमाम पहले कर दें, अल्लाह करीम हमें इसकी तौफीक अता फरमा दें, इतना खुलूस अता फरमा दें। और सहाबी बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की 19,075 नंबर हदीस है, अज़म अल-अय्याम इंदल्लाही यौमुन नहर, अल्लाह के यहाँ सबसे अजमत वाला दिन जो है वो यौमुन नहर है। अब देखिए हर दिन की फजीलत आप सुन रहे हैं, हर दिन की फजीलत, यौमुन नहर की अलग फजीलत, आराफा की अलग फजीलत, और फिर यौमुन नहर थुम्मा यौमुल कर, फिर यौम कर है। यौम कर के होता है ये हाजियों के लिए दिनों की तकसीम ये है, 8 ज़िलहज को यौम तरविया कहते हैं, 9 को यौम आराफा कहते हैं, 10 को यौम नहर कहते हैं, और फिर उसके बाद कौल अबू बकरिन, अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यौम अल-क़िर यानी यौम थानी मिन यौम नहर, मिन यौम नहर, ये यौम नहर का दूसरा दिन है जिसको यौम अल-क़र कहा जाता है। अल्लामा इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही इब्ने खुज़ैमा में इस कौल को 2866 नंबर हदीस में नकल किया है। 11 ज़िलहज का दिन यौम अल-क़र है, ठहरने का दिन, जिस दिन हाजी मिना के अंदर ठहरते हैं, सिवाय कैंकरियाँ मारने के उन्हें और कोई काम नहीं होता। और वो कैंकरियाँ कोई शख्स किसी और की तरफ से भी मार सकता है, ये मसला आप पहले सुन चुके हैं, उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अब इस आशरा में हमें मज़ीद क्या करना है? हमें उलमा के पास बैठना चाहिए ताकि उलमा से हम अपने अकाबरीन की ज़िंदगियों के बारे में जानें कि वो इन अय्याम में क्या करते थे, ताबईन के बारे में जानें, सहाबाए किराम के बारे में जानें, ताकि हमें इल्म हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुत्तबईन, ये आपके रोशन चराग, ये आपके रोशन सितारे, ये इन अय्याम में कितनी, ये बेटा खामोश हो जाइए प्लीज़, बच्चों खामोश हो जाओ, तो इन अय्याम में वो क्या किया करते थे आप सुनिए। ताबेई है इमाम सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह, सुनन दारमी में इमाम दारमी उनके हवाले से 1781 नंबर हदीस के साथ कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं कान सईद बिन जुबैर इदा दखल अय्यामुल अशर इज्तहद इज्तिहादन शदीदन हत्ता मा यकादु यक़दिरु अलैह, ऐसे मालूम होता था इतनी ज़्यादा मेहनत अल्लाह की इबादत के हवाले से कर रहे हैं, दिन में रात में सुबह को शाम को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल, सारा दिन अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना,
इतनी कसरत से मेहनत करते, मालूम ऐसे होता था शायद अपने आप पर भी कुदरत नहीं रख सकेंगे जितनी ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मेहनत किया करते। जिस तरह हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं, यार तू सुबह से एक ही काम कर रहा है, यार तू थकता नहीं है, यार तू सुबह से कुरान पढ़ रहा है, कुछ रेस्ट कर लो, तू फलां वक्त से ये काम कर रहा है। ये ताबईन इज़ाम और सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिन्होंने करीब से गौर किया है, वो इस तरह इन अय्याम में इबादत किया करते थे। तो मेरे भाइयों, ये अमल, ऐसा अमल इन 10 अय्याम में, आपने इब्तिदा में सूरह तौबा की 36 नंबर आयत सुनी, इन इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, ये 12 महीने हैं अल्लाह की किताब के मुताबिक जब से अल्लाह ने कायनात को तख्लीक किया, 4 महीने हुरमत वाले, लेकिन 7 हुक्म क्या दिया गया है, फला तगलिमु फीहिन अनफुसकुम वकातिलुल मुशरिकीन काफ्फा कमा युकातिलूनकुम काफ्फा फला तज़लिमु फीहिन, अपने आप पर इन अय्याम में जुल्म ना करो। वो जुल्म कैसे होता है, हमें कहा गया है इबादत करो, हम सारा दिन सोकर गुजार दें, गप्पे मारने में गुजार दें, लोगों की गीबतें चुगलियां करने में गुजार दें, इससे बड़ी ज्यादती इन दिनों के साथ और क्या हो सकती है। कि हमारा मालिक इतना रहीम है, वो हर चंद दिनों के बाद हमें ऐसा अमल हमारी ज़िंदगी के हवाले से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जिस तरह रहनुमाई फरमाई है, कि आप तसव्वुर कीजिए कि अमल इतने हमें बताए कि एक महीने में तो हमें रोज़े इतने बता दिए हैं कि अपने आप को शहवाज से दूर रखने के लिए ये रोज़े सोमवार का, जुमेरात का, या मैं 20 के रख लिया करो, तुम उतना ही गुनाहों से, शहवाज से दूर रहोगे। रमज़ान का महीना बरकतों सआदतों वाला गुजरा है, अब ज़िलहज के दिन आ गए, ज़िलहज के दिन जाएँगे, मुहर्रम के दिन आ जाएंगे, तो ये गाहे बगाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये फजीलत वाले दिन आते रहते हैं, अल्लाह करीम हमें इनसे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, कुल्ली तौर पे गुनाहों से इज्तनाब करना, ये है अपने आप को जुल्म से रोकना, वरना हम अपनी जानों पे जुल्म करते रहेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करके, गुनाह का इरतकाब करके, झूठ बोलकर, गाली देकर, गीबतें करके, चुगलियाँ करके, जब हमने अपने आप को सुन्नत मुतहरा के मुताबिक, अपनी ज़ुबान को इबादत में मशगूल नहीं रखा, अपने जिस्म को इबादत का हिस्सा नहीं बनाया, तो समझ लीजिए कि हमने अपने आप से बहुत बड़ी ज्यादती, जुल्म और जबर किया है। लिहाजा कुरान कहता है ला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अपने आप पर इन अय्याम में जुल्म ना करो। तो अल्लाह करीम हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इन दिनों में आप देखिए और अमल कौन सा करने वाला है, दूसरा बड़ा अमल, तीसरा बड़ा अमल है तकबीरात का एहतमाम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस बयान करते हैं, मुसनद अहमद की 5446 नंबर हदीस है, फरमाते मा मिन अय्यामिन अज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि मिनल अमली फीहिन मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 अय्याम में ना कोई अमल इतना बड़ा है, ना ही कोई अमल अल्लाह को इतना पसंदीदा है जितना इन 10 दिनों में किया जाता है। तो क्या करें, फ़क्सिरू फीहिन्न मिन तहलीली व तकबीरी व तहमीद, कसरत के साथ तहलील पढ़ें, तकबीर पढ़ें, हमद पढ़ें। तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तहमीद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर। और सही बुखारी की आखिरी हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، زبان پہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا، یاد کرنے میں وقت نہیں لگتا. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. کب؟ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا، ہم میزان کو قائم کریں گے، میزان کو قائم کریں گے انصاف کے ساتھ، قیامت کے روز قائم کریں گے. اس میزان میں بہت بھاری کلمے ہوں گے، کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھے. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 969 اس سے قبل فرماتے ہیں، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں بازار میں گلی محلے میں نکلتے. ہماری دنیا جاتی ہے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوتی، موبائل پہ سانگز چلائے ہوتے ہیں، میوزک چلایا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی سے کال ملائی ہے، یا کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ یخرجان الی السوق، بازار میں نکلتے، یکبران، اللہ کی تکبیرات پڑھتے. اور جب یہ اللہ کی تکبیر پڑھتے، ویکبر الناس بتکبیرہما، لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر اللہ کی تکبیریں بلند کیا کرتے. یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے. اور آپ سنیے، اور ان تکبیرات کے الفاظ مختلف کتب حدیث میں مختلف ہیں، آپ اللہ کے ذکر پہ توجہ دیجئے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مصنف ابن شیبہ کی 5697 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس میں تکبیر بھی آ گئی، اس میں تحلیل بھی آ گئی، وللہ الحمد، اور اس میں اللہ کی حمد بھی آ گئی. تینوں اذکار کا مجموعہ جو آپ نے پیچھے حدیث سنی ہے کہ آپ اس میں کثرت سے تسبیح پڑھیں، کیا ہے، تکبیر پڑھیں، تحلیل پڑھیں اور حمد پڑھیں، یہ تینوں آ گئی. اور پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن کبری بیہقی کی حدیث ہے 6280 نمبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے. اور علامہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کو ہم نے جو سنا ہے اپنے اکابرین و صحابہ اور تابعین سے، وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور بھی الفاظ موجود ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں ان ایام میں. اور پھر اگلا کام کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ چوتھا عمل، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان کرتی ہیں، صحیح ابن حبان کی 5897 نمبر حدیث، جامع ترمذی کی 1523 نمبر حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رأى هلال ذی الحج، جو شخص الحج کا چاند دیکھتا ہے، وأراد أن يضحي، اور قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یأخذن من شعره ولا من ظفاره، نہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بال کاٹے یا اکھاڑے، اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کاٹے. لہذا آج 26 ہے، اس اعتبار سے ترتیب بنا لیجئے، ممکن ہے 29 تاریخ کا ہو، ممکن ہے 30 تاریخ کا یہ مہینہ ہو، تو اس اعتبار سے اپنی یہ حجامت، کٹنگ وغیرہ سارا اہتمام اس اعتبار سے کیجئے. اور یاد رکھیے، اس میں یہ پابندی اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ کروائیں، تاکہ
ये जो शरीयत इस्लामिया के शायर हैं इनसे आगाही उनको भी हो, और जो सरबराह ख़ानदान ने कुर्बानी करनी है उसके बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, लिहाजा बच्चों को भी ये आदाब में साथ शामिल करवाएँ। अल्लाह करीम हमें इस अमल को निभाने की तौफीक अता फरमाएँ। फिर उसके बाद ये है, यही अयाम है, हज किया जाता है, उमरा किया जाता है, और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं मुकसर से उनको मौका मिल भी जाता है। अब कुछ अहतमाम सऊदी हुकूमत ने बदल दिया है कि लोकल लोगों को इन हज के अयाम में 8 ज़िलहज तक वो उमरा नहीं करने देते। इन इब्तदाई अयाम में जब 8 ज़िलहज को हाजी यौम तरविया की गरज से मीना में चले जाते हैं, वो लोकल लोगों को उमरा करने देते हैं जो मक्का के बासी होते हैं। लेकिन हमारे लिए एक शरी हुक्म आम है, वो उनके लिए भी है, अगर सहूलत उनको दे दें। ताबिउ बैनल हज वल उमरा, अल्लाह ने तौफीक दी है कसरत से हज और उमरा किया करें, कसरत से हज और उमरा करें। और इसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ पिछले जुमों में अर्ज़ कर दिया है, और मस्जिद आयशा के हवाले से जो एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है उसका भी हमारा क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल है, उसको भी सुनिए, दीगर उलमा को भी सुनिए। तो लिहाजा इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप मक्का में नहीं रहते थे, आप मदीना में रहते थे, आपने अपने सफ़र में एक ही उमरा किया है, आपने बार बार घूमकर मस्जिद आयशा से कोई उमरा नहीं किया, ना ही आपसे साबित है। वो मसला तफसीली तौर पे समझाया जा चुका है, लेकिन हदीस को अपने तईं मद्देनज़र रखें। फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, हज उमरा की मुताबअत करें। फ़इन्नहुमा यन्फियानिल फ़क्र वद्दुनूब, आपसे तंगदस्ती और गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देगा। कमा यन्फिल कीरु खबसल हदीदी वज़्ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा, जिस तरह भट्टी के अंदर लोहे को रखा जाए, सोने को रखा जाए, चांदी को रखा जाए तो उनकी मैल और जंग उतर जाता है, अल्लाह करीम बंदे मोमिन को इस तरह साफ और शफाफ कर देते हैं। तो इन्हीं अय्याम में मेरे भाइयों, क्या ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम यसूमु तिसअ दिल हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने रोज़ों का अहतमाम किया, तरगीब भी दी, खुद भी रखते और फिर आशूरा का रोज़ा भी रखते। वसलासत अय्याम मिन कुल शहर, 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते, आशूरा का रोज़ा रखते, वसलासत अय्याम मिन कुल शहर, और हर दिन हर महीने 3 रोज़े रखते, और वो 3 रोज़े भी रखते अय्याम 20 के, और यौमुल इस्नैन और यौमुल खमीस सोमवार और जुमेरात का भी रोज़ा रखते। और फिर इसी तरह ही आप ये समझिए कि जो हदीस कई मरतबा बयान की जा चुकी है कि इस रोज़े का फ़ायदा कितना है, एक रोज़े का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम यौमन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रस्ते में अल्लाह की रज़ा और मंशा की खातिर खालिस उसकी खुशनुदी के लिए रोज़ा रखता है, एक रोज़ा नफली रोज़ा रखता है, बअदल्लाहु वजहहु अनिन्नार 70 खरीफा, अल्लाह करीम उसके चेहरे से 70 साल की मुसाफत जहन्नम की आग को दूर कर देते हैं। तो इसलिए भाइयों इस अमल को भी करने की कोशिश करें, और कसरत के साथ नवाफिल का अहतमाम करें जिसका तस्किरा मैं पहले कर चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमाल से जो बात साबित है वो ये बात साबित है, सही मुस्लिम की 482 नंबर हदीस है, आपने फरमाया, क़ुरबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही वहुवा साजिदुन, बंदा मोमिन अपने रब से सबसे ज़्यादा जिस कैफियत में करीब होता है वो सजदे की हालत में होता है। फ़क्सी रूफ़ी ही दुआ, कसरत से अपने रब के सामने दुआ किया करो, मुनाजात किया करो, तस्बीहात किया करो, अज़कार किया करो। और आखिरी बात जी, इंशाल्लाह अगले जुमे भी ये बयान करेंगे, सही मुस्लिम की 1162 नंबर हदीस है, योम आरफा के हवाले से आपने फरमाया, रोज़ा रखने के हवाले से फरमाया, अहतसिबु अलल्लाह अयुकफ्फिरुस्सन अल्लती क़ब्लहु व बाद, कि मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि जो शख्स इसका रोज़ा आराफा का रखेगा अल्लाह करीम 1 साल कबल और बाद के उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो इंशाल्लाह बकिया मसाइल और कुर्बानी के मसाइल इंशाल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी हम सबको ज़िलहज्जा के इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत में अल्लाह मशगूल रखे, और अल्लाह करीम हमसे तमाम वो अमाल करवा ले जो अल्लाह ताला तुझे पसंद है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।